हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लाइन। मैं श्वेता गोयल इस वीडियो से सुनने वाली हूँ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, लॉन्ग वेब में आपको अक्सर मिल जाएंगे डिफरेंस बिटवीन लिखने को, जैसे वॉइड वॉइडेबल डिफरेंस बताओ, वॉइड और वैलिड का डिफरेंस बताओ, कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का बताओ, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का बताओ, बहुत सारे हैं, कॉन्टीजेंट और वर्गनिंग का बताओ, बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है। तो आप डिफरेंस ज़रूर पढ़ के जाना, वो आपको 5 से 10 नंबर ज़रूर दिलवा देंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले पढ़ेंगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन आज, और कल हम एक नया डिफरेंस देखेंगे। फ्रेंड, चैनल पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लॉ के अलावा कोई और भी चीज़ पढ़ते हो, जैसे आप MBA कर रहे हो या MCOM कर रहे हो या BCOM कर रहे हो, BBA कर रहे हो, तो उसमें खाली एक लॉ सब्जेक्ट नहीं है, और भी सब्जेक्ट है। तो मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे और भी तरह की वीडियोस हैं, जैसे टैली की है, एक्सेल की है, सैप की है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। अगर आपको उस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस। सब कुछ छोड़ दो, हम पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, आपका टाइम बच जाएगा, एग्जाम्पल पे आओ। एक ए है और एक बी है। ए ने कहा कि जो मेरा ट्रक है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी माइलेज देता है, एंड उसकी मैंने अभी रिपेयरिंग करवाई है, तुम ले जाओ, बहुत अच्छा है। और उसने पर्टिकुलर एक प्राइस बताया और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है। ए बी को भी अच्छा लगा कि ठीक है, तब इतनी अच्छी खूबियाँ हैं और मुझे सस्ते में भी मिल रहा है या ठीक रेट पर मिल रहा है, तो मैं ये डील क्यों छोड़ूँ। तो ए ने उस बी को बताया, अपना ट्रक दे दिया और बी ले भी गया। अब अगले दिन बी चलाता है उस ट्रक को और कहता है कि यार ये तो बहुत बेकार है, तुम तो कहते इतना माइलेज देता है, जो भी आप बहुत ही बेकार है, इसकी मुझे रिपेयरिंग भी करवानी पड़ गई और मुझे लिए हुए भी तुमसे 3 दिन ही हुए हैं। वो बड़ा गुस्से में जाता है ए के पास। अब ए कहता है, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसे आ गए, काम ख़त्म, ट्रक तुम्हारा, पैसे मेरे। अब बी को आ रहा है गुस्सा, वो क्या करे। अब बताओ, ए ने उसके साथ फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया। मैम कैसे पता, अभी तो आपने समझाया नहीं है। पर हम कुछ भी चीज़ होती है, हम कहते हैं ना यार उसने उसका फ्रॉड किया है, या उसने फ्रॉड करके शेयर मार्केट की एग्जांपल थे, उसने फ्रॉड करके शेयर मार्केट में इतने लोगों को घाटा दे दिया। हम ऐसे ऐसी बात करते हैं, फ्रॉड का मतलब हमारा कि ज़्यादा एक नेगेटिव साइन जा रहा है कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया। और हिंदी में से कहते हैं कि फ्रॉड किया है, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या था फ्रॉड का हिंदी वर्ड। तो ए ने बी के साथ क्या करा है, इस टाइम फ्रॉड किया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्यों किया, क्योंकि ए को पता था कि जो वो बता रहा है बी को, उसके ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं है, और बी इतना पागल है उसने रिपेयरिंग के उसे पेपर नहीं लिए और उसकी बात पे एग्री हो गया, सही कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आपका ट्रक बहुत अच्छा है और मेरा, अब ये ट्रक मेरा हुआ। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना, पर आगे का पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वैलिड है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड। पर सेकंड केस में आ जाओ, ए ने बी की बहुत तारीफ करी, बी से बहुत तारीफ करी अपनी ट्रक की, ठीक है, पर एक्चुअल में उसको भी नहीं पता, उसने रिपेयरिंग करवाई थी तो वो रिपेयरिंग हुई भी है, पर उसको ये नहीं पता कि रिपेयरिंग के बाद भी उसका जो ट्रक है उस ज़्यादा माइलेज नहीं दे रहा। और उसने कहा कि अभी मैंने रिपेयरिंग भी करवाई है, उसकी माइलेज भी बढ़ गई है, तुम देख सकते हो। पर बी ने कहा, नहीं नहीं तुम कह रहे हो ना, मैं मान गया। पहले बी ने ऐसे बोला पहले केस में और अभी भी ऐसे बोला, उसे ट्राई नहीं करा। पर ए ने जान पूछ के झूठ नहीं बोला, क्योंकि ए को भी ये लग रहा था कि मैंने अभी रिपेयरिंग करवाई है और मेरा ट्रक इतना माइलेज तो अब दे देगा, तो उसने अप्रोक्स फिगर बता के बी को बता दिया। पर एक्चुअल में क्या, उसने भी ट्रक चलाया और वो दुखी हो गया, है ए ने मुझे ये बताया था और अब तो ट्रक ना माइलेज दे ही नहीं रहा है। तो ये वाला जो केस है ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ए को भी नहीं पता, ए ने जान पूछ के इंटेंशनली झूठ नहीं बोला। अब आज हम डेफिनेशन पे देखो, बिलीव इन ट्रुथ पे आ जाओ। मीनिंग है जहाँ से डेफिनेशन अच्छी लगे रट्टा मारना और पेपर में लिखाना। अब आ जाते हैं बिलीव इन ट्रुथ पे। जो पर्सन, द पर्सन मेकिंग द फ्रॉड डज नॉट हैव एनी बिलीव इन द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम। तो जान पूछ के झूठ बोल रहा है तो उसकी बात पे विश्वास करने वाली कोई चीज़ है नहीं, और जो वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, द पर्सन मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन
has believe in the truth of the statement made by him. अगर A B से कुछ कह रहा है तो उसको भी नहीं पता reality कि उसका जो truck है वो इतनी ही mileage दे रहा है अभी भी, ठीक है, उसने जान पूछ के झूठ नहीं बोला, पता होने के बाद भी बात नहीं छुपाई, ऐसा वाला झूठ नहीं बोला। पर फ्रॉड में ऐसा है, हमें पता है कि जो मेरा ट्रक है, एक को पता है उसका जो ट्रक है वो माइलेज नहीं दे रहा, बट उसने जान पूछ के बी को झूठ बोला। नीचे आ जाओ, इंटेंशन टू डिसीव, एन एक्ट शैल अमाउंट टू फ्रॉड ओनली इफ देयर वाज इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, और सेकेंड में हम समझ गए। फिर क्या है, means of discovery truth, in case of fraud the contract is voidable even through he aggrieved party has means of discovering the truth with ordinary diligence, but misrepresentation mein kya hai, is not voidable if the aggrieved party had the means of discovering the truth with the originally diligence. Ab mujhe pata chal gaya ki fraud mein kya hota hai, ye cheez voidable hai, but representation mein ye cheez voidable nahi hai kyunki uski intention nahi thi। तुमने क्यों बिलीव करा, उसने तो यही बोला था कि भैया इतनी मालिश दे रहा है, इतनी मालिश दे रहा होगा, उसने इंटेंशनली झूठ नहीं बोला। क्लेम क्या है, द एग्रीव पार्टी हैज अ राइट टू सू द पर्सन मेकिंग सू, मतलब होता है केस कर सकता है, द एग्रीव पार्टी हैज अ राइट टू सू द पर्सन मेकिंग फ्रॉड फॉर डैमेज। अब और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, द एग्रीव पार्टी कैन नॉट सू द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन फॉर डैमेज। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, अरे हम बताए ना कि हमने जान पूछ के झूठ बोला, या ये बात तो हमें ही पता है, ये बात मैंने भी सोची थी, सभी पढ़ा था, पर क्या कर सकते हैं, लॉ है, लॉ में जो लिखा है हमें वही पढ़ना है और वही पेपर में लिख कर आना, नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगी। तो इससे वो पढ़ लेना, डेफिनेशन जोन से अच्छी लगे वो देखना, डायग्राम से अच्छा समझ में आया होगा। अगर मेरा ट्रक अच्छा लगा तो उसकी कमेंट बॉक्स कर देना कि कितना अच्छा बनाया है मेरे ट्रक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।